नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है। आज के मुद्दे में बात होगी सबसे ऊंचे सरदार की। हो गई भारत माता, ऐसा सपूत पाके भारत रत्न कहलाए सरदार पटेल। आप लोग बोलेंगे अमर रहे अमर रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को आजाद भारत के पहले गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान पीएम मोदी का काफी लंबा भाषण हुआ और पीएम ने इशारों में विरोधियों पर जमकर हमला बोला। पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान चार लखनऊ से जुड़े हुए हैं और सरदार वल्लभ भाई पटेल के विषय में हम थोड़ी और जानकारी दे दें कि सरदार वल्लभ भाई पटेल सिर्फ गृहमंत्री नहीं थे बल्कि देश के उप प्रधानमंत्री भी थे और नेहरू के साथ जो कि उस समय प्रधानमंत्री बने थे कंधे से कंधा मिलाकर के काम करते थे। हालांकि दोनों के बीच में जबरदस्त तनाव था, दोनों जमीन और आसमान में फर्क था, दोनों के कार्यप्रणाली में मोडस ऑपरेंडी दोनों की अलग थी, लेकिन उन सब के बावजूद दोनों का जो ध्येय था, दोनों का जो काम था वो एक था और ये था कि देश की एकता अखंडता को मजबूत करना, देश को आगे बढ़ाना, क्योंकि देश उस समय आजाद हुआ था। हालांकि सरदार वल्लभ भाई पटेल बहुत लंबे समय तक आजादी के बाद आगे नहीं चल पाए। 1950 में उनका देहांत हो गया और वो हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी विश्व की सबसे ऊंची जो उनकी मूर्ति को लगाया है और उसका आज अनावरण किया है। हम उस पर चर्चा करेंगे, उनकी सियासत पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक पैनल भी है, लेकिन पहले देख लेते हैं एक रिपोर्ट। भारत रत्न कहलाएंगे युग युग सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति वाला देश बन गया है। देश को एक सूत्र में बांधने वाले आजाद भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की आज 143वीं जयंती है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को सरदार पटेल की दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी को देश को समर्पित किया। सरदार पटेल की इस मूर्ति की ऊंचाई 182 मीटर है, जो दुनिया में सबसे ऊंची है। मूर्ति का अनावरण होने के बाद मिग हेलीकॉप्टरों के द्वारा मूर्ति पर फूल भी बरसाए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद मूर्ति के पास पहुंचकर पूजा अर्चना की। मूर्ति का अनावरण करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज पूरा देश राष्ट्रीय एकता दिवस मना रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि हम आजादी के इतने साल तक एक अधूरापन लेकर चल रहे थे, लेकिन आज भारत के वर्तमान सरदार के विराट व्यक्तित्व को उजागर करने का काम किया है। आज जब धरती से लेकर आसमान तक सरदार साहब का अभिषेक हो रहा है तो ये काम भविष्य के लिए प्रेरणा का आधार है। आज जब धरती से लेकर के आसमान तक सरदार साहब का अभिषेक हो रहा है तब भारत ने न सिर्फ अपने लिए एक नया इतिहास भी रचा है बल्कि भविष्य के लिए प्रेरणा का गगनचुंबी आधार भी तैयार किया। मौका सरदार वल्लभ भाई पटेल के मूर्ति के अनावरण का था, लिहाजा पीएम मोदी का लंबा भाषण हुआ और पीएम ने ये भी कहा कि देश में कुछ लोग हमारी इस मुहिम को राजनीति के चश्मे से देख रहे हैं। देश के सपूतों की
प्रशंसा करने के लिए हमारी आलोचना की जाती है। साथियों, कई बार तो मैं हैरान रह जाता हूं जब देश में ही कुछ लोग हमारी इस मुहिम को राजनीति के चश्मे से देखने का दुस्साहस करते हैं। सरदार पटेल जैसे महापुरुषों, देश के सपूतों की प्रशंसा करने के लिए भी पता नहीं हमारी आलोचना की जाती है। ऐसा अनुभव कराया जाता है जैसे हमने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है। वैसे इस देश में मूर्ति पर सियासत तो लंबे समय से होती आ रही है और आज भी हो रही है और आगे भी होगी। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लेकर कांग्रेस का भी अपना अलग तर्क है। लेकिन जब आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण हुआ तो इतिहास में एक नया अध्याय हमेशा के लिए जुड़ गया। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज। भारत रत्न कहलाएंगे युग युग सरदार वल्लभ भाई पटेल। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की आज देश में सबसे ऊंची मूर्ति का अनावरण किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और ये देश की सबसे ऊंची नहीं बल्कि विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है और स्टेचू ऑफ लिबर्टी से भी ज्यादा ऊंची है। हमारी ये लिबर्टी ऑफ यूनिटी की जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो मूर्ति है वो विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है, यानी कि अब हम गर्व से कह सकते हैं कि हमारे देश में भी एक बड़ी धरोहर है सरदार वल्लभ भाई पटेल के रूप में। लेकिन इस पे सियासत भी कम नहीं हो रही है। लोगों का ये मानना है कि ठीक बात है, महापुरुषों का सम्मान जरूरी है, लेकिन उससे पहले ये भी जरूरी है कि जो देश में गरीब गुर्गे हैं, जो देश में जिनके पास छत नहीं है, जिनके पास खाने को नहीं है, जिनके पास पीने को नहीं है, जिनके पास अपने मकान नहीं, सबसे पहले हमें उनकी सुध लेना चाहिए, उसके बाद इस तरह के काम करने चाहिए। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि 3,000 करोड़ की मूर्ति लगाई गई है, अगर 3,000 करोड़ किसी फैक्ट्री में लगाए जाते तो उसका लोगों को रोजगार मिलता, लोग इसको रोजगार से भी जोड़ रहे हैं। देश में राजनीति होना लाजमी है, राजनीति हो रही है, चुनाव का मौसम है, सेमीफाइनल एकदम सामने है और उसके बाद फाइनल यानी कि 2019 है। ऐसे में हर बात पर राजनीति होना लाजमी है और जिसका जिक्र भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक लंबे भाषण में किया भी है। क्यों राजनीति होती है जब सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए आगे किया जा रहा है तो इस पर राजनीति क्यों हो रही है, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक पूरा पैनल मौजूद है लखनऊ स्टूडियो से। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ मौजूद हैं अभिषेक राय जी हैं, सपा प्रवक्ता अब्दुल हाफिज गांधी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी से जयप्रकाश पांडे जी हैं और वरिष्ठ पत्रकार तथा राजनीतिक विश्लेषक अमिताभ त्रिवेदी भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आप सभी का स्वागत है के न्यूज में। हम सबसे पहले चलेंगे कांग्रेस के पास में, सबसे पहले अभिषेक राय जी के पास। अभिषेक, देश में सबसे बड़ी ऊंची मूर्ति लगी सरदार वल्लभ भाई पटेल की। आप तमाम मूर्तियां लगाते हैं, राजीव गांधी की मूर्तियां लगाते हैं, इंदिरा गांधी की मूर्तियां लगाते हैं, तो जब वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति लग रही तो आप लोग इसमें सियासत क्यों कर रहे हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि आप इसमें सियासत कर रहे हैं। देखिए, जो आदमी हर बात में खुद सियासत करता है उसे दूसरी चीजों में सियासत दूसरों की बातों में नजर आती है। भारतीय जनता पार्टी ने सदैव सियासत करी है, चाहे वो किसी की मौत ही क्यों ना हो, उस पर सियासत करना इनसे अच्छी तरीके से कोई और नहीं जानता। आज स्वर्गीय वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती है और उनको हम शत शत नमन बोलते हैं और साथ में इंदिरा जी की भी आज बलिदान दिवस मनाया जा रहा है उस पर उनको भी शत शत नमन देते हैं। देखिए, दोनों ही बहुत महान हस्तियां हैं जिन्होंने देश के लिए बहुत बड़ा बलिदान दिया। एक व्यक्ति ने, वल्लभ भाई पटेल ने, उन्होंने एक अखंड भारत की स्थापना करी, किस तरीके से जितने राजघरानों को उस देश के एक छतरी के नीचे लेकर आए और किस तरीके से इस देश के तमाम बिखरे हुए लोग थे उनको एकत्रित किया, ये हमने सीखा वल्लभ भाई पटेल साहब से। भारतीय जनता पार्टी आज ये कहती है कि हम राजनीति कर रहे हैं। आज आपने स्टैचू ऑफ यूनिटी का
जी 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 नहीं, आज इन्होंने कहा कि हमने स्टेचू ऑफ यूनिटी का को बना, आज इसका इनॉग्रेशन किया। बहुत बहुत मुबारकबाद इस बात पे। वल्लभ भाई पटेल कोई किसी पार्टी विशेष के नहीं थे, वो देश के एक महापुरुष थे और पूरे देश के एक बहुत सम्मानी नेता हुआ। तो फिर आपने क्यों नहीं किया, आपने उनका सम्मान क्यों नहीं दिया? बात यह है ना, इस तरीके से करी है। जेपी के पास चलते हैं, जी के पास चलते हैं। जयप्रकाश जी एक मिनट में अपनी बात रखिए। नहीं कांग्रेस नहीं, नहीं, नहीं कांग्रेस पार्टी ने, अभिषेक जी अब बाद में आएंगे, आपकी बात पूरी हो गई। सबसे पहले जयप्रकाश जी को अपनी बात रखें। कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहले सम्मान दिया, आजाद भारत के पहले वो गृह मंत्री थे। अभिषेक जी सबसे पहले सारे लोग अपनी बात रख लेंगे एक मिनट में, उसके बाद इस पर डिस्कशन होगा, उसके बाद उसकी बहस होगी। कांग्रेस पार्टी ने उतना ही सम्मान दिया। अभिषेक जी की बात, अभिषेक जी की, अभिषेक जी का ऑडियो कम कर दीजिए, खत्म कर दीजिए। अभिषेक जी पहले दूसरे को सुन लीजिए, एक मिनट आपका आपका समय खत्म हो गया है। जयप्रकाश जी को बोले दीजिए, जयप्रकाश जी अपनी बात रखिए। और सदैव रहेंगे हम किसी भी महापुरुष के ऊपर। अभिषेक जी पहले जयप्रकाश जी को सुन लेते हैं। जी देखिए प्रदीप जी, ये निश्चित रूप से सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जो है ये किसी पार्टी का सवाल ही नहीं, भारत के युग पुरुष थे। और एक बात मैं क्लियर कर दूं कि जहां तक देखिए दुनिया के तमाम देशों में महानायक हुए हैं जो दूसरे देशों पर विजय किए हैं, लेकिन एक देश का एकीकरण करना या उसकी राष्ट्रीय एकता अखंडता में इनके स्तर के केवल दो कैरेक्टर दिखते हैं विश्व स्तर पे, और वो एक तो लिंकन थे 1860 में जो उन्होंने गृह युद्ध में बचा लिया अमेरिका को उत्तर दक्षिण को, दूसरे बिस्मार्क से तुलना की जाती है। तो जाहिर सी बात है कि जो पटेल का कद है, भारत जैसा देश जो तमाम क्षेत्रीय भाषाओं पे सांस्कृतिक स्तर पे और 550 रियासतों में विखंडित विभाजित था, तो उनका ये जो कार्य है ये ऑलरेडी किसी दल का तो मतलब ही नहीं है। सरदार वल्लभ भाई पटेल पूरे देश के हैं, वो युग पुरुष हैं। और जहां तक ये सवाल है कि उनका व्यक्तित्व तो इतना बड़ा था कि हम 1947 से 50 तक 3 साल के एक बड़े छोटे एंगल की ये बात कर रहे हैं, उनके व्यक्तित्व के तमाम पहलू हैं। जब 1928 में मोतीलाल नेहरू जी जो है डोमिनियन स्टेट मांग रहे थे, तो बारदोली में जो है किसानों के मेल आंदोलन कर रहे हैं। आपने उनकी विचारधारा को माना कभी? सत्य और अहिंसा की जो उनकी विचारधारा थी, अखंडता की जो वो बात करते थे, क्या भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उस बात को माना? आप तो देश को काट रहे हैं, राजनीतिक चर्चा नहीं, मगर आप तो देश का बंटवारा करने में लगे। आप तो भाई को भाई से लड़ाने का काम करते हैं। बिल्कुल बहस नहीं होगी। अब्दुल हाफिज गांधी जी अपनी बात रखिए। हास्यास्पद बात है कि आप यूनिटी की बातें कर रहे हैं, मतलब खुद अपमान कर रहे हैं। इंदिरा जी का भी, पटेल जी का, इनके पास कोई तथ्य नहीं है। आप अपमान करते हैं, एक युग आप राजनीतिक चर्चा करने आए चले आए। नरेंद्र मोदी जब इस तरीके की चीजें, हम दोनों की आवाज बंद करा देंगे आपकी, ये नहीं होगा। आप अब्दुल हाफिज गांधी जी अपनी बात रखिए। आप आज आए हैं, बहुत शर्म की बात है, इसलिए डिबेट कर रहे हैं आप। धीरे मानसिकता से जयप्रकाश जी, आप गांधी जी अपनी बात रखिए। जी हम बोल सकते हैं। जी बिल्कुल प्रदीप जी, मैं समझता हूँ कि जहां तक जहां तक सरदार पटेल जी का ताल्लुक है, सरदार पटेल जी इस देश के महानायकों में से हैं। धरती पुत्र, किसान पुत्र, किसानों के महानायक, बारदोली सत्याग्रह के जो है नायक, तो उनको आज याद किया गया है। यदि कोई भी सरकार सरदार पटेल जी के सम्मान में कोई कदम उठाती है तो मैं समझता हूं कि वो स्वागत योग्य है। सरदार पटेल जी को हम एक कारण से बहुत ज्यादा जानते हैं कि उन्होंने अखंड भारत की स्थापना की। भारत उनके प्रयासों के बगैर जो है मुमकिन नहीं था। लेकिन आज का प्रोग्राम अगर आप देखें तो अच्छा होता कि बाकी प्रदेशों से चीफ मिनिस्टर्स बुलाए जाते, बाकी पार्टियों के लोग भी बुलाए जाते, तो मैसेज जाता कि राष्ट्रीय एकता पर्व है और राष्ट्रीय एकता पर सभी भारतवर्ष के लोग एक हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक पार्टी का फंक्शन बनाकर रख दिया गया और सरदार पटेल जी को अप्रोप्रिएट करने की कोशिश की गई। एक तरफ तो कहा जाता है वो सबके हैं, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि सारे पूरे देश से चीफ मिनिस्टर्स आने चाहिए थे, हर पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव आने चाहिए। बिल्कुल ठीक आपकी बात हो गई। अमिताभ जी, आपका अपना नजरिया, आपकी अपनी राय। देखिए सबसे पहले जी देखिए मेरा सबसे सर्वप्रथम सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को नमन, और इंदिरा गांधी जी की जो आज पुण्यतिथि और शहीदी वाला उसको श्रद्धांजलि। आज का जो दिन है वो हमारे लिए तो एक तरीके से गौरव का दिन होना चाहिए कि हम किसी मानों में स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी, बुद्धा की जो प्रतिमा चीन में लगी है, महात्मा बुद्ध की, उनसे भी बहुत आगे निकल गए। भारत को एक पहचान मिली, सब कुछ मिला। जो स्थान मिलना चाहिए था
वल्लभ भाई पटेल जी को वो स्थान वस्तुतः आज पूरी तरह से मिला है। पटेल जी एक अच्छे वकील और उस समय हजारों कमाते थे जब डिप्टी कमिश्नर और जो कमिश्नर लेवल का आदमी सैकड़ों में तनख्वाह पाता था, किसान नेता थे। 550 वो हम इतिहास बताएंगे, इतिहास हमें पता है किस प्रकार। अमिताभ जी इतिहास मुझे पता है, वल्लभ भाई जी के बारे में तमाम पढ़ा हम लोग ने भी है। हम यहाँ पर जो डिबेट करने आए हैं वो ये कि जो इस पे राजनीति हो रही है, राजनीति क्यों? वल्लभ भाई पटेल को कांग्रेस ने पहले याद नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार रही, अटल बिहारी वाजपेयी की 5 साल तक सरकार रही, याद नहीं किया। समाजवादी पार्टी लोहिया को याद रखते हैं, हमेशा दूसरे को याद रखते हैं, लेकिन पटेल को कभी याद नहीं किया, क्यों? ये इस पर बताइए, इतिहास हम लोग को पता है। जी देखिए कोई इस पर सबसे बड़ी बात देखिए यह है कि ये लगभग 3000 करोड़ का जो खर्चा किया गया, बनाया गया वहां पर, जाहिर से बात है वो एक आदिवासी एरिया भी है वहां पर, उनको रोजगार मिल सकता था, बिल्कुल ठीक है, लेकिन रोजगार मिलेगा। राजनीतिक नजरिया यहां पर है, उसको इस 2014 से बननी शुरू हुई, जैसे ही नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई और 2014 से बननी शुरू हुई और चुनाव के पहले बन के लगभग तैयार है। देखिए कहीं ना कहीं तो राजनीतिक दृष्टिकोण से ये चीज चुनाव में क्या फायदा मिलता है, नुकसान मिलता है, ये अपनी जगह है। लेकिन अभी भी हम अगर किसी और चीज को भूले हैं तो अब हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को भी भूले हैं, उनको भी इसमें लाना चाहिए था। राजनीतिक दृष्टिकोण से यदि देखें योगदान तो इसमें करना चाहिए फायदा। अमिताभ जी जी ठीक बात है, स्वतंत्रता के स्वतंत्रता संग्राम में जिनका योगदान है उन सबको याद किया जाना चाहिए, वो सब याद करने के योग्य हैं, वो हमारे सब आराध्य हैं, वो सब हमारे पूज्य हैं, उन्होंने अपनी कुर्बानी दी है और कुर्बानी दे करके उन्होंने देश को आजाद कराया है। हम सीधे चलते हैं जयप्रकाश नारायण जी के पास में। जयप्रकाश जी, जयप्रकाश पांडे जी, सवाल ये है जो अब्दुल हाफिज गांधी जी सवाल उठा रहे हैं कि आपने जो लौह पुरुष है उनको अपनी वो बना लिया, अपनी विरासत बना लिया, बाकी लोगों को क्यों नहीं बनाया, बाकी लोगों को क्यों नहीं बुलाया? क्या वो खाली लौह पुरुष भारतीय जनता पार्टी के हैं या कांग्रेस अगर राजीव गांधी को और इंदिरा गांधी को और उनको नेहरू गांधी को बढ़ा रही है तो आप खाली इनको बढ़ाएंगे? नहीं प्रदीप जी देखिए, वो मैं पहले ही कहा कि वो युग पुरुष हैं और किसी के लिए वो पेटेंट नहीं है। अगर समाजवादी पार्टी चाहती है तो वो उनको जिस भी ढंग से अपने महानायकों को श्रद्धांजलि देती है, याद करती है, उस पे हमने कोई प्रतिबंध नहीं लगाया। जहां तक मैं एक सवाल आपने किया था प्रदीप जी कि जो पटेल जी का व्यक्तित्व का दूसरा पहलू है, दूसरा पहलू है वो लोग नहीं देखते, केवल रियासतों का एकीकरण नहीं, गांधी जी के बाद दूसरे सबसे बड़े समन्वयवादी थे अगर आपको याद हो तो जब तक पटेल जी थे तब तक बाबा साहब अम्बेडकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी रहे हो, चाहे लोहिया रहे हो, जेपी नारायण रहे हो, ये सब कांग्रेस के हिस्से थे, लेकिन पटेल जी के जाते ही ये सारे के सारे लोग कांग्रेस से सरकार से क्रमशः अलग हुए। नहीं तो पटेल जी का तो एक समन्वयवादी जी का सदैव चेहरा था, गांधी जी के बाद व्यक्ति है जो इस देश को लीड कर सकता है, जिसकी आइडियोलॉजी वैसी है वो है पंडित नेहरू, उनका विश्वास रहा पंडित नेहरू में। सबको पता है, आप ये बताइए आज के प्रोग्राम में बाकी लोगों को इनवाइट क्यों नहीं किया गया? ये हमारा सीधा सवाल है, किसी व्यक्ति का नहीं था आज स्टैचू ऑफ यूनिटी, वो सबका था। मुलायम सिंह जो अखिलेश की उंगली पकड़ के ये भी के शपथ ग्रहण करा सकते हैं, क्यों नहीं चले गए वहां? हो गई भारत माता ऐसा सपूत पाके, भारत रतन कहलाएंगे। सरदार पटेल, आप लोग बोलेंगे अमर रहे अमर रहे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम सीधा चलेंगे अभिषेक जी के पास में, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और बहुत शानदार तरीके से अपनी बात को रखते हैं। अभिषेक जी, लेकिन आपसे एक इल्तिजा है, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप दूसरा सवाल भी सुन लीजिए, दूसरे लोगों को भी सुन लिया करिए, लगातार नॉन स्टॉप ना बोलिए, डिबेट को डिबेट की तरह रहने दीजिए, गंभीरता से अपनी बात को रखिए, और गंभीर लोग हैं सारे लोग और अच्छे तरीके से बात करते हैं। आपसे सवाल ये है कि आप ये मानते हैं बिल्कुल कि पटेल का बहुत बड़ा योगदान है, पटेल और जो पहले प्रधानमंत्री हैं पंडित नेहरू
दोनों की तुलना नहीं की जा सकती। दोनों ही बैरिस्टर थे, दोनों ने ही इंग्लैंड में जाकर के बैरिस्ट्री पढ़ी, अच्छा काम किया, और पटेल उनसे कहीं आगे थे। लेकिन आप पटेल को भूल गए, आपने नेहरू की जो नीतियां थी, आपने नेहरू के सारे उसको आगे बढ़ाया, क्यों भूल गए आप पटेल को भाई? देखिए ऐसा है प्रदीप जी, ये कहना गलत होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू जब तक जीवित थे तब तक इंदिरा गांधी जी को ना कोई चुनाव लड़ाया गया, ना लोकसभा गई ना राज्यसभा गई। 1964 में उनकी मृत्यु के बाद इंदिरा जी लोकसभा जाती हैं, चुनाव उनको लड़ाया जाता है। और जहां तक सरदार पटेल जी की बात है, सरदार पटेल जी की सुपुत्री मणिबेन पटेल जी कांग्रेस से 2 बार लोकसभा, 3 बार राज्यसभा सांसद रही, उसके अलावा राष्ट्रीय कोषा अध्यक्ष रही पार्टी की, और उनके पुत्र दादा भाई पटेल कांग्रेस से आजीवन सांसद रहे राज्यसभा के। 1973 में जब उनकी मृत्यु होती है तब तक वो कांग्रेस पार्टी के सांसद रहती है। ये कहना बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है कि कांग्रेस ने उनके परिवार को नकारा। आज जब ये कार्यक्रम हुआ तो उसमें जिस तरीके से इन्होंने यूनिटी दिखाई, केवल अपने लोगों को वहां पे बुला के यूनिटी दिखा रहे थे, क्यों वहां पे गौतम पटेल जो उनके परपोते हैं वहां पे क्यों नहीं आए? इनके आज हमारा सवाल ये है, अभिषेक जी मेरा सवाल ये सवाल नहीं पूछेंगे पटेल जी ने जो एक संदेश, अभिषेक जी सवाल सुन लीजिए ना, अभिषेक जी मेरा सवाल ये है, जनता पार्टी पिछले कुछ समय से, अभिषेक जी आप सवाल नहीं सुन रहे, प्रदीप जी एक मिनट मेरी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए। आप बात हो गई आपकी कंप्लीट, आप मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ बताइए ना, मैं जो कह रहा हूँ आपने पूरे देश में पंडित जवाहरलाल नेहरू की मूर्तियां लगाई, आपने इंदिरा गांधी की लगाई, आपने राजीव गांधी की लगाई, एक एक मूर्ति अगर लखनऊ में राजीव गांधी की मूर्ति अगर तोड़ दी जाती है तो आप लोग हंगामा कर देते हैं, फिर तो उसको दूसरी सरकार को लगाना पड़ता है। पटेल को क्यों भूल गए? आपने पटेल की क्यों एक भी मूर्ति नहीं लगाई? और आज आप पटेल की मूर्ति लगाई तो आपको बुलाया नहीं जी? प्रदीप जी हमारी प्रदीप जी हम कोई हंगामा नहीं कर रहे हैं इस मुद्दे पे, हम कोई हंगामा नहीं कर रहे हैं। हमने ये नहीं कहा कि मूर्ति लगाना गलत है, मगर जो नकारात्मक राजनीति भारतीय जनता पार्टी उस पर करती है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी मंच से बोलते हैं और नकारात्मक राजनीति शुरू कर देते हैं, हर मुद्दे में कोशिश करते हैं किस तरीके से उसको कैश किया जाए आने वाले इलेक्शन के लिए, उसके खिलाफ ये विरोध है। हम मूर्ति लगाने पे कोई विरोध नहीं करते, बहुत अच्छी बात है आपने अगर मूर्ति लगाई है। और पटेल जी सम्माननीय व्यक्ति थे, देश के पूजनीय व्यक्ति थे, उनके बलिदान को उनके संघर्षों को बिल्कुल भी नकारा नहीं जा सकता है। ठीक बात है, अभिषेक राज जी सवाल यही है कि आप उनको क्यों भूल गए, आपने उनको क्यों नहीं याद किया? मैंने आपको आंकड़े बता दिया, ऐसा नहीं है, कहना गलत होगा कि हमने उनको याद नहीं किया। उनका परिवार ताउम्र हमारी पार्टी से जुड़ा रहा है। आज भी आपने एक भी मूर्ति लगवाई? कहां मूर्ति लगवाई जरा बताइए मुझे, एक भी मूर्ति का नाम बता दीजिए कहां पर उनके लाभ पुरुषों की मूर्ति लगी है। सरदार सरोवर डैम प्रोजेक्ट उनके नाम पे, तमाम इंस्टीट्यूशंस कॉलेजेस यूनिवर्सिटी भी उनके नाम पे खोलेगा, ऐसा नहीं है। मूर्तियों की बात कर रहे हैं, लगवाना ही केवल एक तरीका नहीं होता है नाम याद करने का, सुन लीजिए। और नेहरू जी की जहां तक आप बात कर रहे हैं तो नेहरू जी और पटेल जी बहुत ही अच्छे दोस्त थे, और 3 अगस्त 1947 को एक चिट्ठी जब वो लिखते हैं पटेल, सरदार पटेल जी, तो उसमें वो बायकायदे एक्नोलेज करते हैं कि नेहरू जी गांधी जी के बाद अगर इस देश को कोई लीड कर सकता है तो नेहरू जी आप हैं, आप में मेरा पूरा विश्वास है और मुझे बहुत ही खुशी होगी कि मैं आपके कैबिनेट में मंत्री और हम मिलकर देश को आगे बढ़ाने का प्रगति की ओर काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ये दिखाना चाह रही है कि नेहरू और पटेल की आइडियोलॉजी में रिफ्ट था, जबकि नेहरू और पटेल दोनों जो थे वो भारतीय जनता पार्टी और इनकी जो मदर ऑर्गेनाइजेशन है आरएसएस से आइडियोलॉजिकल डिफरेंस उनका था। सदैव बोलते रहे, होलकर को भी उन्होंने चिट्ठी लिख के बोला कि आप समाज में का काम कर रहे हैं। जयप्रकाश पांडे जी के पास बात बोलिए, आप मुझे इतिहास मत बताइए, अपनी बात हो। ये मुझे लगता है कांग्रेस का ही लिखाया जो इतिहास है जी, उसमें उनकी प्रांतीय इकाइयां बहुमत से, बल्कि एक प्रांतीय इकाई छोड़ के सबने पटेल को चुन लिया था। महात्मा गांधी के निर्देश पे पटेल जी ने त्याग किया था। अब ये महोदय कह रहे हैं कि पटेल जी चिट्ठी लिख के खुशी जाहिर किए, वो महात्मा गांधी का निर्देश था। महात्मा गांधी बताने आए थे। अब देखिए भाई प्रदीप जी, या तो आप इनको निर्देश दीजिए, नहीं तो फिर मतलब क्या इस तरह। हम इनको सफलता से सुन रहे हैं, ये चिल्लाना तो हमें भी आता है, हम आपके सम्मान में चिल्ला नहीं, ये या तो चिल्ला ले, मैं चिल्ला बोलने नहीं देंगे किसी को। आप ये मत बोलिए ना कि मैं गलत बात बोल रहा हूँ, मैं तब से साथ बोल रहा हूँ। सरकार महोदय से बात करिए, चूंकि उनको प्रशिक्षण मिला होगा, क्या फायदा। चलिए जेपी साहब अपनी बात रखिए। प्रदीप जी जी, देखिए सबसे ये एक दुखद पहलू है कि अमिताभ जी इस पर अमिताभ जी पहले जेपी साहब को अपनी बात पूरी कर लेनी। जहाँ जेपी साहब जहाँ तक ये था, मैं तो विनम्रता से जी 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 मैं तो ये कह रहा था कि देखिए वो निश्चित रूप से युग पुरुष है, राष्ट्रनायक है, तो भारत में जो भी 1947 से 2014 तक
जो भी सरकार रही उसमें वाजपेयी जी की भी सरकार रही है, 13 से तो मोदी जी इस मूर्ति को बना ही रहे। महानायकों को याद करने के जितने भी स्तर हैं, चाहे अवार्ड रहा हो, विश्वविद्यालय का नाम रहा हो, सड़क रहा हो, फेलोशिप रही हो, तो उसपे जितना बड़ा कद था, मैं पहले ही कहा कि इनका कद भारत को छोड़िए, केवल बिस्मार्क और लिंकन को छोड़ दिया जाए तो कोई है नहीं जो लोकतांत्रिक ढंग से देश की एकता को स्थापित कर दे, एकीकरण कर ले। तो अब वो निश्चित रूप से उपेक्षित थे। अगर हमारे मित्र को लग रहा कि नहीं इसी तरह सम्मान दिया जाता है तो उनको मुबारक हो, हमने सम्मान दिया, हमने कुछ भी नहीं कहा कि नहीं ये हमारे हो गए, हमारे पार्टी के थे, ये दलगत मुद्दा ही नहीं है, इनको ये मानना चाहिए। केवल यही नहीं, मैं एक चीज बार बार कह रहा था कि पटेल जी का जो समन्वयवादी कैरेक्टर था, आप याद जी पटेल जी एक सवाल सुन लीजिए, आपने भी देखिए 1947 से 50 तक आप विद्वान व्यक्ति हैं, सहमत होंगे इससे। पांडे जी एक सवाल सुन लीजिए, आपने भी किसको किसको याद किया जी, आप बता दीजिए, इसके पहले कभी पटेल जी को याद किया आपने? नहीं किया। अब वर्तमान में आप अटल बिहारी वाजपेयी को याद कर रहे हैं, इसके पहले किसको याद करते थे आपको पता? जनसंघ के दौर से जी प्रदीप जी, अटल जी का भाषण लोग सुनने आते थे, आप एक क्लियर हो जाइए, अटल ये पटेल जी की जयंती जनसंघ के दौर से मनाई जाती है और उसके सबसे अच्छे वक्ता अटल जी हुआ करते थे करने के लिए जी। आप पंडित दीनदयाल उपाध्याय को आपने आगे बढ़ाया, उसके बाद आपने अभी अटल बिहारी वाजपेयी को आगे बढ़ाया, पहली बार है कि जब आप लौह पुरुष को आगे बढ़ा रहे हैं, इसके पहले क्यों नहीं याद किया आपने? राजनीति कर रहे हैं क्या आप? नहीं, 2013 से तो आदरणीय मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे मूर्ति ही बनवा रहे थे, अब केंद्र में सरकार है तो राष्ट्रीय स्तर पे कर रही है जी। प्रदीप जी मैं हाँ, अब गांधी जी के पास चलते हैं, गांधी जी अपनी बात रखिए प्लीज जी। प्रदीप जी 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 प्रदीप जी, भारतीय जनता पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी के लौह पुरुष हैं अडवाणी जी, उनको भूल गई, आज उनको इनवाइट भी नहीं किया गया। तो एक लौह पुरुष की बात की जाती है, वो तो सबके महानायक हैं, लेकिन जो आपके नायक हैं उनके साथ आप किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं दुनिया जानती है। अच्छा, जब देखिये मूर्ति लगाने का किसी ने विरोध नहीं किया है और ना ही सरदार पटेल जी की जो प्रतिष्ठा है, सम्मान है, किसी मूर्ति की मोहताज है। आप छोटी बड़ी मूर्ति लगा दीजिए, लेकिन जो उनका सम्मान है वो लोगों के दिलों में है। मैं पूछना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी से कि माननीय मोदी जी 12-13 साल गुजरात के चीफ मिनिस्टर रहते हैं, लेकिन अहमदाबाद में सरदार पटेल स्मारक भवन है वो जर्जर अवस्था में पड़ा हुआ है, लेकिन 13 साल के कार्यकाल में माननीय मोदी जी ने उधर ध्यान नहीं दिया। लेकिन जो है भव्य प्रोग्राम कर और इस तरह की चीजें कर जो सरदार पटेल जी की लीगेसी है उसको अप्रोप्रिएट करने की बात की जाती है, ये वही सरदार पटेल जी हैं जिन्होंने आरएसएस पर बैन लगाया था और ये कहा था कि जिस तरह का जहर घोलने का काम आरएसएस कर रही है उसी का नतीजा है कि गांधी जी की हत्या हुई। तो उनके विचार बिल्कुल आरएसएस से नहीं मिलते थे। जब उन्होंने आरएसएस पे कुछ महीनों बाद बैन हटाया तो दो कंडीशंस के साथ हटाया था कि आप गैर राजनीतिक संगठन है, राजनीति में हिस्सा नहीं लेंगे और आप राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करेंगे। लेकिन आरएसएस ने दोनों कंडीशन को फ्लाउट किया, दोनों कंडीशन को नहीं माना, कुछ ही दिनों बाद जनसंघ को जन्म दिया गया और पूरी तरह से पॉलिटिक्स में आने की बात की गई। तो ये जनसंघ, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस, ये कभी भी आदर मैं समझता हूं कि सरदार पटेल जी के आदर्श नहीं हो सकते। इनकी सोच और सरदार पटेल जी की सोच में बहुत फर्क है। एक सोच समावेशी सोच है और एक सोच जो है वो बांटने वाली सोच है। गांधी जी आप मेरी बात सुन लीजिए, आप मेरी बात बिल्कुल ठीक कर रहे हैं कि ये पटेल जी जिन्होंने आरएसएस पर बैन लगाया था, मैं सुन रहा हूं। ये पटेल ही थे, माफी चाहूंगा मैं आपको सुन नहीं पाया। नहीं, ये पटेल ही थे जिन्होंने नेहरू का विरोध किया था, नेहरू से उनका पूरा विरोध था, इसमें कोई शक नहीं है। नेहरू की अपनी विचारधारा थी, अपनी नीतियां थी, उनके आगे जो भी आता था वो कभी उसके आगे नहीं झुकते थे और यही कारण है कि उन्होंने देश की अखंडता को और एकता को बरकरार रखा, 562 रियासतों को एक साथ मिला दिया। जिसने भी उनके आड़े आने की कोशिश की उसके लिए उन्होंने उसका दुष्परिणाम भी भुगाया। ऑपरेशन पोलो उन्होंने हैदराबाद के खिलाफ चलाया, जूनागढ़ में भी अपनी सेनाएं भेजने की बात कही, सब ये बात ठीक है। लेकिन सवाल ये उठता है, आप क्यों भूल गए? आप लोहिया को याद करते रहे, आप दूसरे नेताओं को याद करते रहे, आप पटेल जी को क्यों भूल गए? जी नहीं नहीं बिल्कुल, देखिए प्रदीप जी मैं समझता हूं जैसे भी चलाने वाले हैं। नहीं आप सुन लीजिए, अभी तो आप कह रहे थे कि इंटरवीन नहीं करते हैं, देखिए ये मुझे समझ नहीं आती है। जब आप पर कोई इंटरवीन करता है तो आपको बहुत दुख होता है, तो लोकतांत्रिक बनिए थोड़ा, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस लोकतांत्रिक नहीं है, थोड़ा सा शिष्टाचार सीखिए। मैं बात कहना चाहता हूँ, आप हमारे ऑफिस में कभी भी आइए, हमने हर महापुरुष की एक प्रतिमा लगाई हुई है और हम हर जो उनकी जयंती आती है, जो भी होता है, हम उनको याद करते हैं, हम पूरा सम्मान है, क्योंकि हमारा जो हमारी विचारधारा है वो उनके विचारों को आगे बढ़ाने की। उनकी विचारधारा क्या थी?
उनकी विचारधारा थी अखंडता, अखंडता का मतलब होता है सबको साथ लेके चलिए, तो इनके नारे जरूर हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन सबको साथ लेके नहीं चलते, ये नफरत की राजनीति करते हैं। आरएसएस, जनसंघ, भारतीय जनता पार्टी इस देश के अंदर नफरत की राजनीति, आप हमारे ऑफिस आकर देखिए। गांधी जी सवाल ये है, नहीं शायद लोहिया की बड़ी मूर्ति बनवाई, हम उनका सम्मान आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, हमारे बनवाई हम उनका भी सम्मान करते हैं। हो गई भारत माता ऐसा सपूत पाके, भारत रत्न कहलाएगा सरदार पटेल। आप लोग बोलेंगे अमर रहे अमर रहे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम सीधे चलेंगे अमिताभ त्रिवेदी जी के पास में, बहुत ही सीनियर पत्रकार हैं, उनसे राय जानेंगे। अमिताभ जी, आपने अब तक की बहस सुना कि हर व्यक्ति की अपनी लेगेसी है, हर पार्टी के अपने नेता हैं, हर पार्टी के अपने महापुरुष हैं, हर पार्टी के अपने लोग हैं जिनको वो लोग आगे बढ़ाते हैं, आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाते हैं। अब एक बार वल्लभ भाई पटेल यानी कि लौह पुरुष की लेगेसी को आगे बढ़ाया जा रहा है। अब देख रहे हैं कि बाकी पार्टियां आरोप लगा रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको अपना लिया है, बाकी लोगों को वो भूल गए हैं, बाकी किसी पार्टी के नेताओं को उन्होंने इनवाइट नहीं किया। आपकी अपनी राय। जी 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 प्रदीप जी, सबसे पहली बात यह है कि अभी गांधी जी ने भी यही बताया कि संघ से मतभेद थे, ठीक। तो आप ये सोचिए कि अगर बसपा की सरकार आती है तो बहन जी सर्व समाज की बात करती हैं, लेकिन मूर्ति बहुजन समाज की ही लगाई जाती है, सर्व समाज की कहीं नहीं होती, उस पर कोई नहीं बोलता, कोई राजनीति नहीं होती, हजारों करोड़ चाय खर्च नहीं। अमिताभ जी, उस पर बहुत राजनीति होती है, आप कैसे कह रहे हैं? सपा की सरकार आई ना, अमिताभ जी उन्होंने लगाई, कुछ राजनीति होती है, उस पर लोग कहते हैं कि अब पूरा खजाना वहां पर लगा दिया गया, क्यों नहीं हुई राजनीति उस पर? तमाम लोगों ने कहा और तमाम आई सुप्रीम कोर्ट ने उसने आदेश दिया, हाँ, लगा दिया गया। आप मेरी बात को मेरी बिल्कुल आप जी बिल्कुल सही है जी, हाँ, लेकिन राजनीति होती है, लेकिन उस समय जब ये मूर्तियां लगी थी डिबेट का ऐसा माहौल नहीं हुआ करता था, पहली बात। सब लोगों ने अपनी लगाई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर, मैं यहां पर ये कहना चाहूंगी, एक ऐसा काम किया जो उनकी पार्टी का नहीं था, जो उनकी पार्टी का नहीं था, जिसने देश का नाम ऊंचा करा, देश को एक किया, उसकी अगर मूर्तियां लगाई तो मेरे हिसाब से उस पर राजनीति इस समय नहीं होनी चाहिए, पहली बात। ना राजनीति होनी चाहिए, अमिताभ जी राजनीति क्यों नहीं होनी चाहिए? हर बात पे राजनीति हो रही है, चुनाव का समय, राजनीति होगी ना, देश का नाम भी ऊंचा हुआ जी, वो ठीक बात है, ठीक बात है, ये अच्छी बात है कि देश का नाम ऊंचा हुआ, विश्व की सबसे बड़ी सबसे ऊंची मूर्ति लगी, लेकिन राजनीति होगी, राजनीति का माहौल है, राजनीति होगी, क्योंकि सेमीफाइनल चल रहा है, उसके बाद फाइनल है, इस पर राजनीति जरूर होगी। हम पांडे जी के पास चलते हैं। पांडे जी, देश में 25 करोड़ पटेल हैं। हाँ बिल्कुल जी, हम पांडे जी के पास चलते हैं। पांडे जी, देश में 25 करोड़ पटेल हैं, हार्दिक पटेल बहुत बड़े नेता उभरे हैं और वो आपको लगातार चुनौती दे रहे हैं, वो कह रहे हैं देश में 25 करोड़ पटेल हैं, ना पटेल का कोई मुख्यमंत्री बनता है ना प्रधानमंत्री बनता है, और वोट लगातार सबको देते हैं लेकिन उनका कोई आप लोग ख्याल नहीं रखते हैं, आप खाली मूर्तियां बना करके उनको सम्मान देंगे, या ये जो 25 करोड़ पटेल हैं उनका वोट लेने के लिए आपने मूर्ति बनाई है? नहीं, ये देखिए, मुख्यमंत्री जो मुख्यमंत्री बनाने की प्रक्रिया है किसी भी राष्ट्रीय दल में, जिसके कई राज्यों में अगर सत्ता हो तो वो आप जानते हैं, जहां तक बाकी है कि पटेल समुदाय का, तो पटेल समुदाय उत्तर प्रदेश से लेकर गुजरात तक जहां भी है वो हमारी पार्टी में, उनको बहुत ज्यादा सम्मान है, बड़ी सहभागिता है, इसमें हार्दिक पटेल का सर्टिफिकेट हमें नहीं चाहिए। और जहां तक ये मैं बार बार कह रहा था कि पटेल जी का जो हमारे मित्र सपा के कह रहे थे कि आरएसएस पे प्रतिबंध लगाए थे, थोड़ी बात वो ये सुन ले, जान ले, पटेल जी आप पहले मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए थे, वो ऐसा महान आयोग था कि उनके कहने पर अम्बेडकर साहब मंत्री बने, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी भी मंत्री बने। पंडित, सवाल सुन लीजिए, सवाल ये है, आपके 20 राज्यों में मंत्री मुख्यमंत्री हैं, कितने मुख्यमंत्री पटेल हैं, आपके कितने जिलाध्यक्ष पटेल हैं, आपके जो संगठन के लोग हैं आरएसएस में कितने पटेल हैं, आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए। हाँ,
नहीं देखिए, अब जहां तक ये पटेल जाति का सवाल है वो अखिल भारतीय नहीं है, गुजरात में है, यहाँ पटेल कुर्मी भाई कहलाते हैं, बिहार में दूसरे नाम से जाने जाते हैं। तो ये निश्चित रूप से राज्य इकाई में उनका बहुत बड़ा योगदान है, बड़े पदों पे हैं। अब एक नाम बताइए कोई बड़ा। सोनेलाल पटेल जैसे? नहीं नहीं भाई, वो तो हमारी सहभागी ही है। आप एक नाम बताइए है, इससे मैं सहमत हूँ, लेकिन ये है कि इसको इस नजरिए से नहीं देखा जा सकता कि हम उनको। अभिषेक जी के पास चलते हैं, अभिषेक राज जी, देश में हम तो देखिए यहाँ बल्कि अलायंस में है, सोनेलाल पटेल जी के पुत्री हैं, उनको हम लोग इतना सम्मान देते हैं। अलायंस में तो रखेंगे आप, लेकिन अपने साथ नहीं रखेंगे, अपने अंदर नहीं बढ़ाएंगे। अभिषेक राज जी के पास चलते हैं, अभिषेक राज जी, क्या ये जो हो रहा है ये देश के 25 करोड़ की जिला इकाई से लेकर विधानसभा चुनाव विधायकों तक बड़ी संख्या पटेलों की? पांडे जी, वो अलग बात है कि आप विधायक बना देते हैं। अभिषेक राज जी, ये जो सब हो रहा है क्या देश के 25 करोड़ पटेलों का वोट लेने के लिए किया जा रहा है? वोट की राजनीति है ये? किससे सवाल पूछ रहे हैं आपसे? अरे आवाज ही नहीं आ रही, मैं कह तो रहा हूँ आवाज नहीं आ रही। अभिषेक राज जी, आपको आवाज मिल रही है? अभिषेक राज जी तक आवाज नहीं पहुंच रही हमारी तरफ, हम इनका तकनीकी व्यवधान दूर करने की कोशिश करेंगे। इससे तब तक हम गांधी जी के पास चलते हैं। गांधी जी, आपको आवाज मिल रही है? आवाज आ गई, बताइए। आप उनको आवाज मिल रही है, पहले आप उनसे प्रश्न पूछ। अभिषेक राज जी, मेरा सवाल ये है कि देश में 25 करोड़ पटेल हैं, क्या ये जो सब कुछ हो रहा है ये पटेलों की का वोट बैंक हासिल करने के लिए हो रहा है? देखिए, मैं फिर वही कहना चाहूंगा, ये तो भारतीय जनता पार्टी भली भांति जानती होगी, ये तो आप खुद ही समझ रहे होंगे। जो प्रधानमंत्री ने आज बयान दिया, आप लोग समझदार हैं, मीडिया के लोग हैं, विश्लेषण आप लोग अच्छा करते हैं, आपको ज्यादा जानकारी होगी। मगर अगर ना किया हो, अगर इस पर राजनीति ना करना चाहते हो और दिल से उन्होंने किया हो तो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि पटेल जी के नाम पर राजनीति करना या किसी भी महापुरुष के नाम पर, चाहे बाबा साहब की इन्होंने बातें कर दी हो, तमाम महापुरुषों के नाम पर इन्होंने देखिए राजनीति तो करी, और शक इन पे करना बहुत लाजमी है। मैं ये नहीं बोलना चाहूंगा कि ये राजनीति कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, मगर ऐसे सम्मानित व्यक्ति के लिए इस तरीके की अगर राजनीति करी जा रही है तो यह गलत है। और दूसरी चीज मैं बता दूंगा, इन्होंने बार बार बोला कि आप तथ्य कहां से लेकर आए हैं, तो तथ्य हम जहां से लेकर आए इनको लिंक भी इसके बाद भेज देंगे ताकि ये पढ़ लें और देख लें, और ये पहले देख के पढ़ के आया करें, और दूसरे जब बीच में बोला करें तो ये ना बोल दे कि आप कहां से आंकड़े लेके आए, हम आंकड़े पढ़ के और देख के लाते हैं, हम हवाबाजी और जुमलेबाजों की तरह आंकड़े नहीं लेके आते हैं और आके बतौलेबाजी करें और अपनी कुछ भी बात यहां लोगों के बीच में बता दें। पटेल जी सदैव पूरी जीवन कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े रहे, महात्मा गांधी में उनका विश्वास था और नेहरू जी की उन्होंने ताउम्र तारीफ करी जब तक वो जीवित रहे, और वो हमेशा कहते रहे कि नेहरू जी हमें लीड करते हैं। बॉम्बे में एक बार एक इवेंट था, वहां पे एक पत्रकार अमेरिकन उनसे मिलता है तो उनसे पूछता है कि भीड़ की वजह क्या है, तो ये कहते हैं कि देखो दिस मैन हु इज स्टैंडिंग, इसकी वजह से यहां भीड़, नेहरू जी की तरफ इशारा करके। तो उनके बीच में इस तरीके का संवाद था, इतनी अच्छी दोस्ती थी, और जब वो चिट्ठी एक लिखते हैं जिसका मैंने जिक्र किया, इन्होंने कहा कहां से लाए 3 अगस्त 1948 वाली, तो उसमें उन्होंने बताया कि हमारे पटेल लिखते हैं नेहरू जी को भावुक होते हुए कि किस तरीके की हम मेरी और तुम्हारी मित्रता है 30 साल पुरानी, और हम लोग किस तरीके से कई बार कई विचारों पर मतभेद हुआ और हम लोग साथ में कितने फैसले लिए और तमाम चीजें। तो ये कहना, और वो सदैव भारतीय जनता पार्टी के संघ मदर पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन के हमेशा खिलाफ रहे हैं, मगर ये मूर्ति बनाई है, हम इस पर कोई राजनीति नहीं करना चाहेंगे। बहुत अच्छी बात है कि आपने एक स्टैचू उनके लिए बनाया है और दुनिया भर जानेगी, मगर उस पर राजनीति कृपा करके ना करें। अभिषेक राज जी, मेरी बात सुन लीजिए, आपने कहा कि दोनों के बहुत मधुर संबंध थे, मान लेते हैं कि नेहरू के और पटेल के बहुत मधुर संबंध थे, लेकिन इतिहास गवाह है कि दोनों के संबंध मधुर कभी नहीं रहे, दोनों हमेशा अगेंस्ट में चलते रहे, हालांकि पटेल हमेशा उन पर विश्वास करते रहे और पटेल हमेशा उनके साथ ही लगे रहे। ये अलग बात है कि दोनों में तालमेल बढ़िया था, दोनों बढ़िया काम कर रहे थे, लेकिन विरोधाभासी थे, ये इसमें आप इनकार नहीं कर सकते। गांधी जी के पास चलते हैं, वही सवाल लेकर के। गांधी जी, क्या लगता है कि जो 25 करोड़ देश में पटेल हैं, एक बहुत बड़ी मतदाता संख्या है, अभिषेक जी, जिस पत्र का मैं पटेल तो उस पर राजनीति, उसी की राजनीति हो रही है? गांधी जी, देखिए, मैं समझता हूं कि लोकतंत्र में प्रतिनिधित्व यानी कि रिप्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब रिप्रेजेंटेशन होता है तभी उस कम्युनिटी की बात कहीं ना कहीं उठ सकती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या करती है कि जो जनमत लेती है वो किसी और के बिना पर लेती है। यहां पर क्या हुआ, आप देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी के बारे में परसेप्शन बनाया गया कि इनको चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, प्रदेश अध्यक्ष भी थे, लेकिन मुख्यमंत्री कोई और ले आए। आप ही देखिए, एक ही जाति से उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, यानी जनसंख्या कम होते हुए भी उस जाति से बनाया जाता है, और जिनको वाकई बनाना चाहिए उनको ये
जो है दरकिनार कर देते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा जातिगत राजनीति और धर्म की राजनीति कर इन्होंने जो है जनमत को ठगने का काम किया है। आप ये देखिए कि अभी जननायक थे, किसानों के नेता थे, अभी वहां पर 72 गांव के किसानों ने विरोध किया है, 72 गांव के किसानों ने विरोध किया है, वो खाना नहीं बना रहे हैं, भूखे हैं, लेकिन ना तो कोई मीडिया दिखा रहा है, ना ही प्रधानमंत्री जी ने अपने वक्तव्य में कहा कि हम इनको पुनर्वास नहीं दे सके, हम इनको नौकरी नहीं दे सके, हम जमीन के बदले जमीन नहीं दे सके। कि आज अगर सरदार पटेल जी होते तो मैं समझता हूं कि उनको बहुत दुख होता ये दृश्य देखकर कि 72 गांव के किसान आज विरोध कर रहे हैं उसी जगह पर, लेकिन ना किसी मीडिया ने दिखाया, ना किसी अखबार ने दिखाया और ना ही कोई पॉलिटिशियन इस देश में बात कर रहा है। अमिताभ जी बताइए अपनी बात रखिए। जी जी मैं सिर्फ प्रदीप जी ये कहना जी देखिए अगर इस समय की यदि सियासत की बात करी जा रही सबसे पहले पटेलों की बात तो ये बिल्कुल क्लियर है कि उत्तर प्रदेश के पटेल अलग हैं, गुजरात के अलग हैं, यहाँ के या अलग अलग सब बिरादरियों के पटेल केवल सरनेम है। सबसे पहली बात ये समझी जाए। दूसरी बात ये समझे कि ये मूर्ति 2014 से बननी शुरू हुई है तो क्या इतना लंबा सोच के चलेंगे कि चुनाव के आने पे इसको करेंगे? ऐसा नहीं है भाई, मेरे हिसाब से ये पहले से ही ये सोचा होगा कि इनको आगे बढ़ाया जाएगा। 2014 से बननी शुरू हुई। अमिताभ जी मेरी बात सुन लीजिए, राजनीति क्यों विरोध कर रहे थे आप उस समय और आप वही काम अब आप कर रहे हैं? नहीं, वो मूर्तियों विरोध हमारा आर्थिक भ्रष्टाचार पे और मायावती की खुद मूर्ति पे था। बाबा साहब अंबेडकर का विरोध तो भाजपा ने कभी किया ही नहीं। जहां तक ये सवाल है आप ये निश्चित जान लीजिए जब कम्युनल अवार्ड आया उसके बाद अंबेडकर साहब जब समझौता किए पूना पैक तो हरिजन यात्रा गांधी जी कर रहे थे तो नेहरू जी ने साफ विरोध किया था। अब वो इतिहास में भी दर्ज है, वो भी कांग्रेस की एनसीईआरटी में भी है। तो अब ये जहां तक हमारे सपा के मित्र कह रहे थे कि हम जातिवादी हैं पांडे जी और हमारा शीर्ष नेतृत्व जो है वंशवादी है, ये मतलब ये बता दें कि ये दावा करेंगे कि इनका अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में कौन होगा? आप ये बता दीजिए मोदी जी के अलावा कौन प्रधानमंत्री का चेहरा है? वो लेकिन मोदी जी का लड़का नहीं होगा। आपके अंदर हिम्मत है तो बताइए, मोदी जी का लड़का नहीं होगा। अंदर हिम्मत है तो बताइए, यानी कि आपने कोई फायदा ही नहीं किया। अब आप शांत, मोदी जी के अलावा शांत क्या? आपको सवाल आप जैसे आदमी वंशवाद की बात करेंगे, आप भ्रष्टाचार और क्षेत्रवाद की बात करेंगे, आप रफेल की बात कीजिए, आप पीएमपी घोटाले की बात कीजिए, आप संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने की बात कीजिए, आप घोटाले की बात कीजिए, आप बात कीजिए, और पांडे जी आप लोग इस तरह से बोलेंगे तो डिबेट कैसे चलेगी? पांडे जी आप लगातार हो गई भारत माता ऐसा सपूत पाके भारत रत्न कहलाएंगे। सरदार पटेल आप लोग बोलेंगे अमर रहे अमर रहे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अभिषेक राज्य को किसी दूसरे डिबेट पे जाना था वो चले गए हैं, लेकिन हमारे साथ तीन मेहमान अभी भी जुड़े हुए हैं। हम सीधा पांडे जी के पास चलेंगे और उनसे सवाल पूछेंगे। पांडे जी जो मैंने सवाल पूछा और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज इतिहास में मत जाइए, इतिहास मत बताइए, वर्तमान की बात करिए। हम सवाल ये पूछ रहे हैं कि जब मायावती मुख्यमंत्री थी उत्तर प्रदेश की, वो मूर्तियां बनवा रही थी, स्मारक बनवा रही थी, आप लगातार विरोध कर रहे थे, क्यों विरोध कर रहे थे? नहीं, उसका विरोध प्रदीप जी भ्रष्टाचार का, वो आज भी हाई कोर्ट में चल रहा है मसला उसका। आप निश्चित रूप से जब साक्ष्य आएगा, यहाँ सोनभद्र से पत्थर आते थे फिर उनको राजस्थान भेजा गया था, नक्काशी के लिए आए हैं, तो वो एक भ्रष्ट बाबा साहब के प्रति हमारी या पूरे देश की बड़ी असीम श्रद्धा है। लेकिन ये है कि आप जानते हैं कि खुद मायावती जी अपनी मूर्तियां लगवा दी हैं, तो और उसमें बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ है, तो विरोध भ्रष्टाचार का था, बाबा साहब का विरोध का तो मतलब ही नहीं है। हमारी पार्टी तो इन्हीं का नहीं, जैसा त्रिवेदी जी कह रहे थे, राष्ट्र के स्वाधीनता आंदोलन में जो भी लोकनायक रहे का विरोध नहीं किया था आपने?
मूर्तियों का विरोध नहीं किया था ना, तो वो तिलक जी की उपेक्षा हुई हो, सुभाष चंद्र बोस की हुई हो, सबको ऐसे सम्मान देगी जी? नहीं, बिल्कुल नहीं जी। चलिए गांधी जी के पास चलते। गांधी जी, जब स्मारक बन रहे थे, मूर्तियां लग रही थी, आपके नेता कह रहे थे इस पे बुलडोजर चला देंगे हमारी सरकार आएगी तो, क्या आपको रास नहीं आ रहा था? देखिए बिल्कुल ऐसा जी, देखिए नहीं, बिल्कुल इस तरह की बात नहीं है। हम जो है हर जो राजनीति में प्रतीक होते हैं, सिंबल्स होते हैं, हम उनका सम्मान करते हैं क्योंकि हमने भी मूर्तियां लगाई हैं। लेकिन एक बात जरूर कहेंगे कि जो दूसरे इश्यूज हैं वो बिल्कुल जो है नकारे नहीं जाने चाहिए। जैसे मैंने अभी यहाँ पर आपके सामने एक किसानों का मुद्दा यहाँ पर उठाया है, वहीं पर बहुत सारे किसान जो है आज विरोध कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी को कम से कम संवेदना में दो शब्द बोलने चाहिए थे, दो शब्द प्रधानमंत्री जी को बोलने चाहिए थे, क्योंकि वो आदिवासी हैं, किसान हैं, गरीब हैं, और हम समझते हैं कि सरदार पटेल जी की जो विचारधारा थी वो किसानों के महानायक समझे जाते हैं। नहीं चाहते कि किसानों को जो है दूसरी जगह भेजकर उनका पुनर्वास न किया जाए, तो प्रधानमंत्री जी को कम से कम दो शब्द आज बोलने चाहिए थे। कोई भी आज इस विषय में चर्चा नहीं कर। गांधी जी, मेरा जो सवाल आपसे ये है, नेताजी मुलायम सिंह यादव ने कहा कि हम सरकार में आएंगे तो, आपके सवाल का जवाब मैं दे चुका हूँ जी, बताइए। प्रतीकों की जी, देखिए प्रतीकों की राजनीति होती रही है, आगे होती रहेगी जी, और जी, जो 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 महापुरुष हैं उनका हमें किसी का कोई विरोध नहीं है। बस हम ये चाहते हैं कि जो बेसिक इश्यूज हैं, जैसे अभी आप देखिए कि जो पांच डिस्ट्रिक्ट हैं वहां पर, पंचमहल, छोटा उदयपुर, बड़ोदरा वगैरह, वहां पर बेसिक अम्यूनिटीज नहीं है, लोगों के पास पानी नहीं है, स्कूल नहीं है, अस्पताल नहीं है, तो इस तरफ भी सरकार का ध्यान जाना चाहिए। 15 साल मेट्रो को बनते हो गए, 2003 में प्रपोज थी मेट्रो, मेट्रो नहीं बन पाई गुजरात के अंदर, लेकिन प्रतीकों जी जी, मैं ये कह रहा हूँ प्रदीप जी, ये हमारे विद्वान प्रवक्ता कह रहे हैं, निश्चित मैं सहमत हूँ कि जनता के रोजगार और आर्थिक इशू है, लेकिन एक चीज जान लीजिए, पटेल जी भी उसको मानते थे कि ये मूर्ति एक सांस्कृतिक प्रतीक है, चेतना का एक सजीव रूप होती है। जिन देशों में सांस्कृतिक आधार कमजोर हुआ है, रूस के 15 टुकड़े हो गए, नहीं बच पाया, तो पूरा लैटिन अमेरिका सहित अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया को देख लीजिए, ये भारत की आत्मा है। आप आर्थिक सरोकार बिल्कुल अलग है, सरदार पटेल की मूर्ति या स्मारक पर्व त्योहार, इसको आप रोजी रोटी से जोड़ के नहीं जो देख सकते हैं, ये नहीं रहेंगे तो विविधता वाला हमारा देश ही नहीं बचेगा। सांस्कृतिक धरोहर को मजबूत करने को कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन उसके साथ साथ जो फाइनल जवाब आपका जी, 20 सेकंड में खाली अपने, देखिए जी जी, 20 सेकंड। हाँ, मैं ये स्पष्ट रूप से मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो सांस्कृतिक एकता की बात है, ये इस समय ऐसी स्थिति चल रही है देश में, महाराष्ट्र की आप हालत देखिए और पश्चिम बंगाल की हालत देखिए, जगह जगह जातिवाद, क्षेत्रवाद चीजों को देखते हुए देश बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस समय वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति का लगना एक ऐसे अखंड भारत के आने वाले समय की स्थिति को देता है। ये किसने बढ़ाया? राजनीतिक पार्टियों ने बढ़ाया ना, सब लोगों ने अपने अपने वोट बैंक की राजनीति की, राजनीतिक पार्टियों ने बढ़ाया है, बिल्कुल दुखद पहलू है, लेकिन ये कदम जी जी बिल्कुल, लेकिन वोट बैंक की, लेकिन ये अखंड भारत की प्रेरणा थे, उनकी मूर्ति के लिए हम लोगों को स्वागत करना चाहिए और हमारे देश का गौरव बढ़ा है। चलिए, बहुत इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत शुक्रिया आपका अमिताभ त्रिवेदी जी, आपका बहुत शुक्रिया डिबेट में पार्टिसिपेट करने के लिए, जयप्रकाश पांडे जी आपका बहुत शुक्रिया, और गांधी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए लखनऊ स्टूडियो से। इसमें कोई शक नहीं है कि पटेल एक लौह पुरुष, जो कि एक देश के नेता नहीं बल्कि विश्व की बात करें तो उन्होंने विश्व में भी काफ़ी काम किया, देश में तो उन्होंने ज़बरदस्त काम किया, सारी रियासतों को एक साथ में जोड़ा, और इतना ही नहीं, जब किसानों की बात हुई, किसानों के आंदोलन को उन्होंने आगे बढ़ाया, बारडोली के आंदोलन जब उन्होंने आगे बढ़ाया, उसको सफलतापूर्वक ऑर्गेनाइज किया, तो महिलाओं ने उनको सरदार की उपाधि दी थी, और उन्होंने हर कामगार के लिए आंदोलन किया और जबरदस्त तरीके से लड़ा ले, बैरिस्टर भी रहे, बहुत बड़े बैरिस्टर है, इंग्लैंड में उनकी बैरिस्ट्री चलती थी, इन सब के बावजूद उन्होंने अपनी नीत को, अपनी रीत को आगे बढ़ाया, लेकिन आज उनकी मूर्त पर ही राजनीति हो रही है। हालांकि एक अच्छी बात है कि आज उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने याद किया है, विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति को उन्होंने लगाया है, कम से कम जो उनका योगदान था स्वतंत्रता संग्राम में, स्वतंत्रता संग्राम के बाद, वो कम से कम आज हम इतना कह सकते हैं कि उनका थोड़ा सम्मान जरूर बढ़ा होगा। आप हमें दीजिए इजाजत, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आप के न्यूज़ इंडिया।